हेलो पब्लिक यार, अपन के दिन की शुरुआत हो चुकी है। दिलचस्प दिन के साथ हम आए हैं। मैं जा रहा हूँ मेरी सिस्टर के फोन लेने, तो शॉप पे जाएंगे, कौन सा फोन पसंद आता है वो देखते हैं। मैं वहाँ पे शॉप पे वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ रीजन है नहीं बनाने का। और बाकी तो फोन लाके, घर पे लाके हम आपको रिव्यू देंगे, अनबॉक्सिंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। कुछ बड़ा वाला फोन लेने वाला नहीं हूँ, 10 to 15,000 के बीच वाला कोई सारी फोन अपन लेंगे जो नॉर्मल फोन होगा। मैं तो अपना काम दिल से कर रहा हूँ, प्लीज आप भी अपना काम दिल से कीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे जरूर सपोर्ट करें मेरे लिए, प्लीज। तो यार गाइस, अपन आ चुके हैं वापस घर पे और अपन लेने गए थे फोन। अपन गए थे लेकिन क्या होगा कि फोन मेरे को जिस तरह से चाहिए था वो मिला नहीं, तो फिलहाल तो हमने कैंसिल ही रखा। हमने सोचा कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जो भी सेल आएगी उस पे अच्छे से बहुत सारे फोन आने वाले हैं, तो उन पे देखेंगे कौन सा फोन। आज जस्ट मैं आया और आके खाना खा लिया मैंने दोस्तों, और अभी तो फिर थोड़ा सो लेंगे और फिर अपन शाम को बाहर निकलेंगे तो बता देंगे, नहीं निकलेंगे तो फिर पता है। पब्लिक, जो मिडिल क्लास फैमिली से कोई भी लड़का बिलोंग करता है ना, उसकी लाइफ में ये रहता है कि मतलब कुछ इंटरेस्टिंग नहीं रहता है। आप सबकी लाइफ में ये होगा कि रोजाना उठो, स्कूल जाना है तो स्कूल जाओ, या फिर कोई जॉब वॉब करो जॉब करो, वही रहता है। और उसके अलावा कुछ है ना, लाइफ को इंजॉय करने वाले सीन्स नहीं रहते, क्योंकि अपने पास ना तो इतने पैसों की छूट होती है कि अपन कुछ इन्जॉय करना कर सके और कुछ एक्स्ट्रा कर सके अपन, ठीक है। तो अपन अपनी लाइफ सिर्फ इसी में चली जाती है, पूरी लाइफ काम धाम फैमिली वो उन चीज़ों में, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत कि उनको स्ट्रगल बहुत होता है, क्योंकि अपने को उनको खुद की लाइफ सुधारनी होती है, पापा मम्मी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, घर में भाई बहन छोटा बड़ा भाई बहन होता है उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, सबके दिन में प्रॉब्लम होती है। मेरा एक पैशन है, मेरे को हमेशा से एक था कि बस मुझे एक व्लॉगर बनना है, और मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ सिर्फ मेरे पैशन के लिए। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ यार मेरी को आप, मैं मेरा 100 दे रहा हूँ, आप अपना 1% भी लगा के मेरे को एक लाइक एक सपोर्ट मतलब दिखाइए बस, और देखिए फिर अपन क्या करते हैं। अपनी फैमिली बड़ी होगी धीरे धीरे करके, आई होप कि वो दिन भी आए, और आई डोंट नो आएगा भी नहीं आएगा, मुझे लगता नहीं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे बहुत टाइम से अलग अलग चैनल्स पे काम कर रहा है लेकिन अभी तक मेरा कोई टाइम आया नहीं है। और मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट नहीं करती इन सब चीज़ों में। रोजाना हमारे घर में झगड़े होते हैं इस चीज़ के लिए, जो मैं फ़ोन चलाता हूँ, जो मैं फ़ोन पे जो करता रहता हूँ उस चीज़ के लिए, कि नहीं भाई जा वो दुकान वाला काम सीख वो सीख, बहुत मुश्किल है भाई। फैमिली को कन्विंस नहीं कर सकता मैं, और उन सबको छुपा के वो भी काम कर रहा हूँ, ये भी काम कर रहा हूँ, गेम भी खेल रहा हूँ, ई स्पोर्ट्स में भी ट्राई कर रहा हूँ। कैसा होगा आई डोंट नो, कैसे होगा ये सब कुछ मेरे को नहीं पता, लेकिन होगा कभी ना कभी तो होगा। और ये मेरी आज जुड़ी हुई है कि मैं कभी हार नहीं मानने वाला। अपने गोल को अचीव करना दोस्तों मुश्किल हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। आज नहीं कल नहीं, कभी तो कभी मिलेगा अपना। मेहनत करते रहो भाई, एकदम दबा के मेहनत करो, कुछ तो मिलेगा ही आपको। तो हेलो यार, दोपहर के बाद आए हैं हम वापस। अब खाना वाना खा लिया था और फिर उस टाइम सो गए थे, और मैच वैच खेल के फिर मैं सो गया था। शाम के 5 बजे आई थिंक 5 बजे, और हम आए हैं ऊपर, ये देखते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी छत ये देखो, छत यार ऐसी है। यहाँ पे बेसिकली क्या है ना, मेरे को ऐसा रहता है ऊपर कि भाई कोई देख रहा होगा वगैरह वगैरह, कि व्लॉग करने में कोई समझता नहीं है व्लॉग, गांव में व्लॉग क्या है किसी को नहीं पता। यहाँ पे ये जो दीवार देख रहे हो आप, ये जो दीवार देख रहे हो, यहाँ पे मैं इस तरह से बैठता हूँ रोजाना, और फिर यहाँ से देखिए मैं इस तरह से सीन लेता हूँ, यहाँ बैठता हूँ, जब पत्थर ये आगे हैं अपने, व्यू देखिए भाई व्यू बहुत मस्त फील होता है। गांव में ना रहने का सबसे बड़ा अच्छा फायदा यही है, बिल्कुल तो ऐसा मन करता है ना कि मीन्स लगभग शाम शाम में भाई यही रुकूँ। वो तो आज मैं शॉप पे नहीं गया इसलिए मैं यहाँ पे ऊपर आया हूँ, नहीं तो आता नहीं ज़्यादातर, लेकिन रियली में बहुत अच्छा लगता है मेरे को ऊपर आना। जो बंदा सोलो रहता है ज़्यादा टाइम, मतलब किसी के साथ ज़्यादा बिताता नहीं है वक्त, तो सोलो रहना पसंद करता है वो बंदे को, ऐसी जगह पर आना अच्छा लगता है। क्या ही साइलेंट रहता है, कोई शोर शराबा नहीं है, एकदम मस्त आराम से चैन से बैठो, सुकून लो, यही है लाइफ यार। यार जो व्यू है ना, एक बार तो लेना बनता है व्यू। चलिए यार व्यू को एंजॉय कीजिए। You say never let me go.
हमारी छत से व्यू दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताना, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। मेरे को तो इन सबसे सुकून मिलता है, आपको भी मिलता है तो मेरे को जरूर बताना।